हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त अमिताभ सभी के साथ है। देखिए, जब समंदर में आ ही गए हैं तो लहरों की औकात भी पता कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि डीमोटिवेट होकर के प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, ठीक। बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो प्रैक्टिस आप तब तक निरंतर जारी रखिए जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैमरा व्यू में, आपको फ्रेम में दिख रहा होगा कि ये जो आपका चढ़ाव है, इस चढ़ाव पर हम स्कूटी कैसे चढ़ाएं, ठीक है, बिना पिछले हुए। बहुत जगह आपको दिखेगा कि रोड साइड पार्किंग कर लेते हैं और रोड का हाइट जो होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, वहाँ पर भी ये आपको प्रैक्टिस काम आएंगे। क्या कुछ आपको करना है आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ताकि आप पार्किंग अच्छे से स्कूटी को कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप जब इस पर चढ़ा करके बगल में पार्किंग कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यहाँ पर करना क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप सीधा सिंपल सी बात समझिए कि अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं इसको, स्कूटी को जब हम ले करके जा रहे हैं और यहाँ पर चढ़ाव है, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टेयरिंग, क्योंकि चक्का जैसे ही इसमें टच करेगा आपके स्टेयरिंग को इधर घुमा देगा और आप जो है गिर जाइएगा इस तरह से, ठीक है। तो बिना गिरे हम इस पर कैसे स्कूटी को सेफली चढ़ाएं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, कि किस तरह से स्कूटी को जो है हम सेफली उस पर चढ़ाएं। फॉर एग्जांपल कि आप इस तरह से स्कूटी आपका है, ठीक, अब आपको इस पर चढ़ाना है, तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इस तरह से है, आप ऐसे स्कूटी को लेकर के जाइएगा तो स्कूटी स्लिप कर जाएगा, आपको ऐसे स्कूटी को लेकर के जाना है। अगर फॉर एग्जांपल कि रोड साइड भी थोड़ा सा नीचे रहता है तो आपको सही जगह का तलाश करना है कि एक चढ़ाव किधर से है, ठीक है। झटके में जो चढ़ाव आता है आपको उधर से नहीं चढ़ाना है। तो स्कूटी का स्टीयरिंग पहले राइट घुमाएं, अगर लेफ्ट में होगा तो, अगर राइट में होगा तो पहले लेफ्ट घुमाएंगे, अगर लेफ्ट में है तो पहले राइट घुमाएंगे, ठीक है। राइट घुमाएं और इस तरह से लाएं और फिर स्कूटी का स्टीयरिंग लेफ्ट करके स्कूटी को पहले आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से चक्का जो है आराम से चढ़ जाएगा। तो चढ़ाने समय हमें क्या कुछ ध्यान रखनी है कि एक्सलेटर देना है अगला चक्का चढ़ते समय, जैसे ही अगला चक्का चढ़ जाए एक्सलेटर को डाउन करना है, और जैसे ही पिछला चक्का चढ़ने लगे फिर आपको एक्सलेटर देना है, जैसे ही पिछला चक्का चढ़ जाए एक्सलेटर डाउन कर लेना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम ब्रेकर को पार करते हैं, ठीक है। ब्रेकर को पार करना और इससे पार करना, दोनों में सेम जो आपका प्रैक्टिस है वो काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं। हल्का सा एक्सलेटर दिया, डाउन किया, पिछला चक्का चढ़ा, फिर एक्सलेटर दे करके डाउन कर लिए, ना तो हमारा स्कूटी पिछला और ना ही हम गिरे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी स्कूटी को ऐसे आप नहीं चढ़ाएंगे, पहले स्कूटी को सीधा करेंगे, ठीक है। लेफ्ट जाए, राइट जाएंगे और फिर स्कूटी को सीधा करके चढ़ाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अगर कहीं ढलाव है तो उस ढलाव से आप चढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको झटका जो है वो कम महसूस हो, ठीक है। तो ये रोड साइड जब पार्किंग में आप गाड़ी को उतार लेते किसी दुकान में जाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको रोड हाइट पे दिखता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम में आएंगी। पहले आप स्कूटी को थोड़ा सा तिरछा कर लीजिएगा, उसके बाद आप चढ़ाइएगा एक्सलेटर दे करके, ठीक है। और जब चढ़ जाए एक्सलेटर को एक बार डाउन ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह बिगिनर्स के लिए हम उनके प्रॉब्लम को फाइंड करके आप सभी के लिए वीडियो को लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, और ट्रैफिक नियमों का पालन हमेशा करते रहें।